चुनाव को लेकर के हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ ब्रजेश राय ने आजसू, जो कि बीजेपी के साथ में सहयोगी दल है, आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो से खास बात की है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो हमारे साथ हैं, इनसे बस छोटा सा सवाल। सुदेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि 11:15 बजे अमित शाह से आपकी मुलाकात है, आप सीट शेयरिंग के साथ नीति सिद्धांतों की मुद्दों को भी रखेंगे? हाँ, निश्चित रूप से। इस राज्य के ऐसे वैधानिक विषय, जिन विषयों को लेकर यहाँ के जनमानस में जो विचार आते रहता है, जो हम लोग भी उस विषय को एक पॉलिटिकल सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट का हल भी तो जो पॉलिटिकल लीडर के माध्यम से होना चाहिए, और दोनों पार्टी को इस विषय में कॉमन होना पड़ेगा, कॉमन एजेंडा बनाना पड़ेगा। कुछ विषय ऐसे हैं जिसको कॉमन एजेंडा में लाना पड़ेगा। सुदेश जी, अंतिम सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि आजसू का दावा कितनी सीटों पर है? दावा नहीं है, मैंने हमसे मांगा गया था कि किस सीटों में आजसू मजबूती से काम कर रही है, मैंने अपने मजबूत सीटों का उल्लेख कर दिया है, उसी पे बैठ के निर्णय लेना है। फिर भी कितनी सीट आप चाहेंगे कि कितनी सीट पर आप जनता के बीच में जाएं? 20 सीटों पर मैंने पार्टी का संगठन का काम चल रहा था, हम लोग ने उसको शॉर्टलिस्ट करके 19 में लाया, और शेष सीटों पर बातचीत होगी, करेंगे। बीजेपी के साथ आप गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे? मेरी को एनडीए पे, लगातार एनडीए के साथ हम लोग रहे हैं, एनडीए ने पब्लिक का विश्वास जीता है, देश में विश्वास जीता है, ये हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम लोग साथ मिले और साथ मिलकर लड़े, ये मेरी कोशिश होगी। 65 पार का दावा निश्चित रूप से, अगर ये दावा अगर हमारे सहयोगी की ओर से किया गया है तो इस दावा पर हम जोड़ के हैं, ये जोड़ के हैं। मैं एक्चुअली इस तरह बात नहीं करता, लेकिन सहयोगी ने बात किया है तो संयुक्त रूप से किया होगा। एनडीए फोल्डर 65 सीट का दावा करेगी, जीतेगी, वो निश्चित रूप से ड्राइंग कुछ तो होगा जो चर्चा किए होंगे। चलो सुदेश महतो बहुत आशान्वित हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अब की बार 65 पार का नारा जो उनके सहयोगी दल बीजेपी ने दिया है, उसको वो टारगेट को अचीव करना चाहेंगे। अब अमित शाह के साथ आज रात में जो मुलाकात होगी, वो उस मुलाकात पर ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आजसू का स्टैंड क्या होगा।